हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स को मैप मोड में याद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर हो जाइए इसके बारे में कि बिहार में कितने डिविजन्स है, पहले ये तो जानना जरूरी है। तो बिहार में डिविजन्स है 9। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए नॉर्थ साइड और साउथ, ये काउंट करना है। नॉर्थ में आपको दिखेगा 5, ठीक है, और साउथ में आपको दिखेगा 4 डिवीज़न। ठीक है, नाम क्या है नॉर्थ वाले का? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। और साउथ में उसका नाम क्या है? पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, ये जो है कितने डिविजन्स हो गए? 9 डिविजन्स। और यही 9 डिविजन्स में टोटल जो है देखेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स बटे हुए, ये इस पूरे में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स काउंट करेंगे। अभी हम लोग 38 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग मैप मोड में क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिरहुत में। अच्छा, ये इससे जानने से पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि ये बिहार, बिहार का नॉर्थ में देखेंगे तो ये नेपाल आएगा, ठीक है, और साउथ में झारखंड, ईस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट की बात करेंगे तो यूपी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना है, इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं तिरहुत डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। सबसे पहला है वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, ओके, फिर नेक्स्ट है शिवहर, सीतामढ़ी, ओके, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये तिरहुत डिवीज़न में कितना डिस्ट्रिक्ट आ गया? 6। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्ट्रिक्ट किस में आ गया? तिरहुत डिवीज़न में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? तो 3, 1 2 3 है, और तीनों के नाम देखते हैं। सबसे पहले है मधुबनी, ओके, फिर दरभंगा, और नेक्स्ट है समस्तीपुर। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी अगर याद रखना चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। SDM, दरभंगा का SDM, समस्तीपुर, S4 समस्तीपुर, D4 दरभंगा और M4 मधुबनी। ठीक है, SDM इस तरह से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिवीज़न जो है वो क्या है? कोसी। इसमें डिस्ट्रिक्ट कितना आएगा? 3। ठीक है, देखिए कोसी रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है, मैक्सिमम पार्ट जा रहा है इस डिवीज़न से, इसलिए कोसी रिवर कहा गया। अब इसमें तीन डिस्ट्रिक्ट कौन अब इसमें तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा आ रहा है? ओके, पहला है सुपौल, पहला जो है वो क्या है? सुपौल। दूसरा है सहरसा और तीसरा है मधेपुरा। ठीक है, तीसरा है मधेपुरा। इसको भी आप अगर ट्रिक से याद रखना चाहते हैं तो SMS से याद कर सकते हैं कि कोसी डिवीज़न में तीन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको देखते हैं पूर्णिया डिवीज़न में। पूर्णिया डिवीज़न में देखिए कि 4 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 का नाम देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है किशनगंज, पहला किशनगंज हो गया, फिर अररिया हो गया, ओके, फिर नेक्स्ट है पूर्णिया और कटिहार। ओके, तो इस तरह से पूर्णिया डिवीज़न भी कंप्लीट हो गया, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, 4 डिस्ट्रिक्ट आ गए। देखिए नॉर्थ में एक छोटा हुआ है इधर सारण, सारण में देख लेते हैं। पहला है गोपालगंज, गोपालगंज हो गया, फिर सिवान और सारण। यहाँ पे आपको देखिए सारण डिवीज़न है, और सारण डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ गया? गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये एक डिवीज़न है और ये एक डिस्ट्रिक्ट है। जब सारण डिवीज़न की बात कहेगा तो इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आएगा, और जब सारण डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा तो इसमें ये अकेला आएगा। ठीक है, इस तरह से हर एक में अगर हम देखते हैं, सारण जैसे हो गया, सारण डिवीज़न है और ये सारण डिस्ट्रिक्ट है, ये दरभंगा डिवीज़न है और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये पूर्णिया डिवीज़न है और ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है।
अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पटना में, साउथ में आ जाते हैं, साउथ वाले चार डिवीजन में। पटना में कितने हैं? पटना में आप काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 छः, छः डिस्ट्रिक्ट आएगा। ठीक है, पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट? छः डिस्ट्रिक्ट। पहला है कैमूर, ओके, फिर रोहतास, नेक्स्ट है बक्सर, फिर भोजपुर और पटना, फिर नालंदा। ओके, ये छह डिस्ट्रिक्ट जो है पटना डिवीज़न में आ गया, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। ठीक है, ये पटना बोलेंगे, जब पटना डिवीज़न की बात करेंगे तो सारा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो सिर्फ ये आएगा। ओके, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मगध। देखिए ये एरिया जो है ये मगध है, और ये जो एरिया है ये मुंगेर। मगध में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? सबसे पहला याद रखना है औरंगाबाद, यहाँ पे दिखेगा आपको कौन सा, औरंगाबाद। ओके, फिर देखिए ये सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखेगा अरवल, ठीक है, जो जहानाबाद से अलग हुआ है, इसके बगल में है जहानाबाद। जहानाबाद हो गया, फिर नेक्स्ट है गया और नवादा। ओके, इस तरह मगध में देखते हैं तो मगध में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा, कितने डिस्ट्रिक्ट आ गए? 3 2 5। मगध में कितने हो गए? 5। पटना में कितने थे? 6। ओके, अब देखते हैं मुंगेर डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर में सबसे पहले याद रखना है आपको जमुई, देखिए ये हो गया जमुई। ओके, फिर मुंगेर, फिर हो गया खगड़िया। ओके, बेगूसराय। ओके, फिर है लखीसराय। और शेखपुरा, ये है शेखपुरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए मुंगेर डिवीज़न हो गया, मुंगेर डिवीज़न में जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा। ठीक है, कितने हो गए? 3 2 5 1 6, छः डिस्ट्रिक्ट हो गया मुंगेर डिवीज़न में। नेक्स्ट है भागलपुर, नेक्स्ट है भागलपुर। भागलपुर में दो आपको दिखेगा, पहला तो हो गया भागलपुर ही खुद, पहला हो गया भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। ओके, तो भागलपुर डिवीजन में कितना डिस्ट्रिक्ट आता है? दो ही, एक भागलपुर और एक बांका। ओके, तो इस तरीके से हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को और सारे डिवीजन्स को क्लियर कर लिया। कौन कौन से डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये मैप की मदद से भी क्लियर हो जाएगा। जैसे तिरहुत में कितना आएगा? 6। दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, सारण में 3, पटना में 6, मगध में 5, मुंगेर में 6, भागलपुर में 2। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसको आप काउंट करेंगे तो देखिए 6 3 9 3 12 4 16, 2 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 6 35, 35 और 3 38। इस तरह से जो बिहार के टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स को आप मैप मोड में क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार के कुछ और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।